औरत अपने शोहर की शुक्रगुजार होनी चाहिए। मर्द अपनी औरत के लिए खाने का एहतमाम करता है, पीने का एहतमाम करता है और कई राहत के इंतजाम करता है। औरत पर हक है अपने शोहर की शुक्रगुजार बंदी होना चाहिए। रसूल पाक फरमाते जिस औरत ने अपने शोहर का शुक्र अदा न किया अल्लाह ताला उससे कभी खुश ना होगा और उसकी कोई इबादत अल्लाह के हजूर में कबूल ना की जाएगी। औरत के बारे में रसूल पाक का फरमान है, शोर को हुक्म दिया गया कि औरत को गुनाह से बचाए। असाबा कराम इस बारे में इतना तो एहतमाम करते थे। हदीस पाक में आता है हजरत मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह ताला नो आपने अपनी बीवी को देखा खिड़की खोलकर बाहर देख रही थी। आपने जोदो कोब किया, फरमाया आइंदा कभी मैं ना देखूं कि खिड़की खोल के तुम बाहर देखती हो। अगर अल्लाह के दीन के मुताबिक शोर बीवी को सजा दे तो इसकी कोई बाल पुरस नहीं, लेकिन सजा कब देनी है? आपने समझाने की कोशिश की, प्यार से समझाया, मोहब्बत से समझाया, अपनी दुनिया खराब ना करो, अपना घर खराब ना करो, अपनी कब्र खराब ना करो, अपनी आखिरत खराब ना करो, लेकिन बीवी समझ के नहीं देती तो फिर आप उसे सजा भी दे सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये पहला मरला मोहब्बत से प्यार से जिस तरह समझाया जा सकता है, सख्ती का पहलू टूटने का होता है, संवरने का कम होता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, मेरी प्यारी बहन, मेरी बेटी, अल्लाह का दीन सामने रख के अपने आप को आरास्ता करोगे तो खुदा की कसम दुनिया आखिरत को संवार लोगे। अगर अल्लाह के दीन को पीठ दिखाई, अल्लाह के पाक नाम कुरान पाक से मुंह फेरा, अपनी दुनिया भी खराब कर बैठोगे, अपनी आखिरत भी खराब कर बैठोगे।